हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सके। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोस मिलती रहती है। तो दोस्तों आज मैं ट्रैफिक में आपको बताऊंगा कि कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कार को कैसे चलाना चाहिए और किन किन बातों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों अभी जैसे कि देख रहे हैं मेरे सामने काफी क्राउड है, काफी ट्रैफिक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें अपनी कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अब मेरे सामने जो है लेफ्ट में डिजायर चल रही है और राइट में मेरे महिंद्रा की 300 SUV, तो गाड़ी को कैसे रोकना और कैसे बढ़ाना है। जैसे अभी यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेलेटर का रोल नहीं रहेगा, ब्रेक का ज्यादा रोल रहेगा। अभी मैंने वापस स्पीड मेंटेन कर ली थोड़ा सा ये, और अगली गाड़ी से डिस्टेंस भी हमें मेंटेन करके चलना है कि जो अगली गाड़ी चल रही है उससे कितनी दूरी बना के चलेंगे हम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो मेरे सामने i20 जा रही है, i20 और मेरी गाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब लगभग 3 से 4 मीटर का है। तो इतना डिस्टेंस हमेशा बना के रखना ताकि अगली गाड़ी कभी भी ब्रेक अगर लगाए तो हमें अपनी गाड़ी कंट्रोल करने में दिक्कत ना हो। कई बार सडन अगली गाड़ी ब्रेक लगाती है और सटा के हम चलेंगे तो हमारी गाड़ी टकरा जाती है, नहीं तो हमारी गाड़ी में पिछला बंदा टकरा देता है। तो हमेशा हमें अपनी गाड़ी के आगे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए जिससे कि मतलब हमारी गाड़ी टकराए ना अगली गाड़ी में या हमारी गाड़ी में पीछे वाला ना टकराए। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। अब जैसे उसकी नेम प्लेट मुझे दिखनी बंद हो गई तो मैंने क्या करा, हल्का सा ब्रेक ले लिया, वापस उसकी नेम प्लेट दिखनी स्टार्ट हो गई, मैंने स्पेस मेंटेन कर लिया। तो ट्रैफिक में जब भी गाड़ी को हम चलाते हैं ना तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि जो अगली गाड़ी चल रही है उससे डिस्टेंस कैसे मेंटेन करेंगे। जैसे देखो बाइक बीच में आ गई, वापस मैंने ब्रेक पे पैर रखा और यहाँ पे मैंने क्लच भी ले लिया क्योंकि लेफ्ट में मेरे i20 थी, राइट में बंदे खड़े हुए थे, उनको भी बचाना जरूरी था। अभी मैंने यहाँ पे सेकंड गियर में मेरी गाड़ी चल रही है क्योंकि यहाँ थर्ड गियर की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ही गाड़ी चलेगी क्योंकि स्पेस नहीं है। ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर जो गाड़ी हम चलाते हैं फर्स्ट गियर या सेकंड गियर। अभी सेकंड गियर में इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस मुझे रास्ता क्लियर मिल रहा है, अगर गाड़ी रोक रोक के बढ़ाना पड़ेगा तो वहां पे फिर फर्स्ट ही गियर करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ाई थी, थर्ड गियर डाला था, वापस मैंने स्पीड कम करके वापस इसको सेकंड गियर में कर लिया क्योंकि सेकंड गियर में गाड़ी मेरी 10 की स्पीड में आराम से निकाली जा सकती है। फर्स्ट गियर सेकंड गियर में ट्रैफिक में हम कार को चला सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज का हमें ये ध्यान देना, अपने लेफ्ट साइड के जजमेंट और राइट साइड, राइट में तो खतरा कोई नहीं क्योंकि राइट में नाला है, लेकिन लेफ्ट में जो गाड़ियां निकल रही है ना, ई रिक्शे वगैरह, बाइक वगैरह निकल रही है, इनसे हमें सावधान रहना है। कई बार क्या होता है कि अगर हमने लेफ्ट ज्यादा दबा दिया तो लेफ्ट में जो रिक्शे वगैरह जा रहे हैं ये टकरा देते हैं, ये गाड़ी को हमारी साइड से रगड़ देते हैं। अब मेरे सामने i20 है, अब i20 के बीच में और मेरी गाड़ी के बोनेट के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपको ऐसा लग रहा है गाड़ी टकरा गई, पर अभी भी 2 से 2.5 फीट का मार्जिन है। ये चीज कैसे समझ में आती है, जो मेरी गाड़ी पे फ्लैग रॉड लगा है हम इससे भी जजमेंट कर सकते हैं, या फिर जो अगली गाड़ी जा रही उसका जो बम्फर है, उसका जो बैक साइड वाला बम्फर है उससे भी हमें अंदाजा मिल जाता है। जो देखिए बम्फर पे 2 रेड कलर की इंडिकेटर लगे हुए हैं रेड कलर की, उससे भी हम जजमेंट ले सकते हैं, उसकी नेम प्लेट से भी जजमेंट ले सकते हैं। ये देखिए बस हल्के से वो दिखने, समझ लीजिए दिखने बंद हो गए, नेम प्लेट तो पहले ही दिखनी बंद हो गई, अगर वो इंडिकेटर आपको दिखने बंद हो गए इसका मतलब आपको 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी है। देख रहे लेफ्ट वाला इंडिकेटर मुझे दिखना बंद हो गया जो बम्फर पे लगा हुआ है, ये देखिए अब दोनों दिखने बंद हो गए। दोनों दिखने का बंद होने का मतलब कि अब 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी है, एकदम सटी हुई गाड़ी है, स्पेस नहीं है, ये बम्फर टू बम्फर, ऐसे में गाड़ी हमें कैसे निकालनी है। जरा सा भी अगर आप डिसबैलेंस करेंगे ना लेफ्ट और राइट तो आपकी गाड़ी टकरा सकती है। यहाँ पे अब गाड़ी चल रही फर्स्ट गियर में, अभी वहां हम लोग सेकंड गियर में आ रहे थे बट यहाँ पे फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही क्योंकि सेकंड गियर में यहाँ पे गाड़ी बार बार रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, तो सेकंड गियर में हमें एक्सेलेटर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब गाड़ी स्टॉप है, मैंने यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया इसको प्रॉपर तरीके से, न्यूट्रल कर दिया राइट वाला पैर, बट मेरा ब्रेक पे है कि गाड़ी कहीं ऐसा हो ना पीछे की तरफ ढलान हो या आगे की तरफ तो फिर गाड़ी बढ़ जाएगी। मैंने फिर वापस हल्का सा एक्सेलेटर भी ले लिया क्योंकि ज्यादा स्पेस हो गया था ना मेरे सामने, अगर फिर बीच वाले लोग घुसने लगेंगे तो। ट्रैफिक में जब हम गाड़ी चलाते हैं बम्फर टू बम्फर तो ज्यादा स्पेस नहीं होने देते हैं, अगर हमने ज्यादा स्पेस कर दिया ना तो फिर अगला बंदा घुस जाएगा, इसलिए थोड़ी डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन रखना होता है।
ताकि बहुत ज्यादा स्पेस ना हो पाए। अब देखो बाइक वाले जो भैया है घुसने की कोशिश कर रहे हैं और घुस भी गए, स्पेस नहीं था लेकिन फिर भी वो बीच में एंटर कर गए। तो ये जो बाइक वाले लोग होते हैं और ये जो तो बीच में आ जाते हैं, हालांकि सभी को निकलना है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है। ज्यादा स्पेस छोड़ेंगे तो फिर अब देखो मेरी जो गाड़ी खड़ी है ऐसा लग रहा है कि I-20 में टकरा गई है, बट अभी भी मेरी गाड़ी के बोनट से और I-20 का जो बीच वाला पोर्शन है करीब करीब अभी भी लगभग 6 इंच से ज्यादा स्पेस है। क्योंकि जहां पे मैं बैठा हूं यहां से जो जजमेंट, ये मिड है जो ना बीच वाला पोर्शन, इससे भी हम अंदाजा ले सकते हैं। फ्लैग रोड वाला जो एरिया है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि टकरा गया, बट जो मिड वाला एरिया इससे हम जजमेंट ले सकते हैं अपनी गाड़ी का। मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और साइड से मैंने निकाल लिया गाड़ी को, मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के और इसको वापस, क्योंकि मेरे बगल में गाड़ी चल रही है और मैंने हल्का सा स्पीड मेंटेन करके इसको, क्योंकि राइट में ज्यादा जाऊंगा तो नाला है, नाले में फिर मेरी गाड़ी जा सकती है, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा इसके लिए हल्का सा। हाँ, अब डिजायर है मेरे सामने और डिजायर की जो नेम प्लेट है ना वो डिग्गी पे है। अभी जो I-20 चल रही थी उसकी जो नेम प्लेट थी वो बम्फर पे थी और इसकी जो है वो नेम प्लेट जो है वो है डिग्गी पे। तो इसका अगर बम्फर दिखना हमें बंद हो जाए तो इसका मतलब अब हमें गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी है। बम्फर दिखना इस गाड़ी का बंद हो जाए इसका मतलब अब गाड़ी हमें आगे नहीं बढ़ानी, वरना गाड़ी हमारी टकरा सकती है। देख रहे हैं नेम प्लेट तो इसकी डिग्गी पे है। तो कुछ गाड़ियां ऐसी होती है ना XUV मॉडल होती है जिनकी नेम प्लेट डिग्गी पे है, तो उनके बम्फर से हमें जजमेंट लेना होता है, और जिनकी नेम प्लेट बम्फर पे होती है तो नेम प्लेट से जजमेंट लेना होता है। तो इस तरीके से अब जैसे वो ब्रेक लगा रहा है तो उसकी बैकलाइट ऑन हो जा रही बार बार, हमें कैसे पता चलेगा कि अगला बंदा ब्रेक लगा रहा है? जैसे उसकी बैकलाइट डार्क हो जाएगी ना इसका मतलब वो ब्रेक लगा रहा है। अब लेफ्ट में स्कूटी है, स्कूटी से थोड़ा मैंने दूरी बना रखी कि हल्का सा भी अगर टच हो जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर गाड़ी टकरा सकती है। अभी मैंने थोड़ा सा थर्ड गियर डाल दिया यहाँ पे, हालांकि स्पेस मिल गया था इसलिए मैंने, और वापस फिर मैं सेकंड कर देता हूँ क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ मुंशी पुलिया रेड लाइट पे और यहाँ पे ट्रैफिक रुक रहा है धीरे धीरे। लेफ्ट से मेरे अल्कजार निकल गई है और ये भैया जी बीच में एंटर कर गए स्कूटी वाले, रिक्शे वाले ने फंसा दिया है बीच में जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है और हमें जाना है स्ट्रेट, डिजायर जाएगी लेफ्ट, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में एक फ्लाईओवर बन रहा है पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग कॉलेज तक, जिसकी वजह से रोड को पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है और बहुत ही ज्यादा क्राउड रहता है, बहुत ही ट्रैफिक रहता है, पूरे रोड को एक जगह बहुत ही सर्विस लाइन पे डाइवर्ट कर दिया गया जिसकी वजह से बहुत जाम रहता है शाम के टाइम और सुबह और दोपहर, इन तीनों टाइम तो बहुत ज्यादा रस रहता है। ये आ चुके हैं हम फाइनली दोस्तों मुंशी पुलिया और धीरे 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 मेरी गाड़ी निकल रही है। डिजायर वाले भाई एकदम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, निकाल ही नहीं पा रहे, अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहे, एकदम अनट्रेंड है, जिनको आइडिया नहीं है थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ से ले लिया है ई रिक्शा, ये सामने जा रहा है, बंद हो गया भाई का ई रिक्शा, पर मैंने गाड़ी धीरे से बढ़ानी है, ये मैंने वापस उसको बढ़ा दिया। ये अचानक जो लोग आ जाते हैं ना बीच में, इनसे बचना बहुत ज़रूरी होता है, जो बीच में लोग आ जाते हैं यहाँ, इनसे बचना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हो गया है भाई कोई मसला, अब देख रहे ये रिक्शे वाले जो हैं वो बढ़ा ही नहीं रहे, एकदम चावल चावल बढ़ा रहे हैं। अब मैंने दोस्तों गाड़ी निकाल ली अपनी, ये आ गए अब हम डिवाइडर रोड पे, यहाँ पे थोड़ा खुला है बट यहाँ पे भी थोड़ा सा रस, देखो अगली गाड़ी रुकी हुई थी, वापस मैंने इसको कर लिया सेकंड गियर में, मेरे सामने डिजायर जा रही है, उसकी बैकलाइट ऑन हो गई इसका मतलब वो ब्रेक ले रहा है। जो बैकलाइट है उससे हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि जो हमारी गाड़ी है वो डिस्टेंस मेंटेन रखना है थोड़ा, जैसे बैकलाइट जलती है इसका मतलब वो अगला बंदा ब्रेक ले रहा है, तो हमें भी अपनी गाड़ी में अलर्ट हो जाना है, कभी भी हमें भी ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों अभी मेरे लेफ्ट में देखो बाइक एकदम स्कूटी बीच में आ गई है, अब ऐसे में अगर ज़रा सा भी टच हो जाएगी ना एकदम से लेफ्ट से एकदम से राइट में भैया जी एंटर कर गए,
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरीके से प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हिंद।